धनबाद डीसी संदीप सिंह ने बागमारा प्रखंड अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने सोमवार को पहुंचे। डीडीसी शशि प्रकाश सिंह भी साथ रहे। बागमारा वीडियो सुनील प्रजापति तथा सीओ केके सिंह के साथ प्रखंड अंचल कार्यालय का निरीक्षण करते हुए जानकारी ली। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ डीसी ने बैठक किया। प्रखंड अंचल कार्यालय अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचने वाले आम लोगों के कार्यों को निष्पादन करने का जल्द से जल्द आदेश दिया। वहीं प्रखंड अंचल कार्यालय के कर्मियों से परिचय लिए। यूक्रेन में फंसे छात्राओं के जानकारी एकत्रित करने का निर्देश दिया गया ताकि किसी भी परिजन को पैनिक न हो। वहीं डीसी ने कहा कि रूटीन निरीक्षण के तहत आज बागमारा पहुंचे हैं। सीओ वीडियो के साथ विकास योजनाओं को लेकर बैठक कर योजनाओं में तेजी लाने तथा कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को जल्द समस्याओं को जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। जमीन संबंधित मनरेगा आदि की समीक्षा किया जाएगा। वहीं यूक्रेन में फंसे छात्राओं की जानकारी एकत्रित करने के बाद राज्य सरकार को सूची भेज दिया गया है। अब जिले में 6 छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसे लेकर सरकार को अवगत करा दिया गया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियां छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कार्य कर रही है। वहीं छात्रों के अभिभावक को अगर कोई जानकारी मिलती है जो सरकार प्रशासन को बताना जरूरी है तो वे जरूर बताएं। सभी को सुरक्षित लाने की दिशा में राज्य केंद्र सरकार समन्वय कर वापस लाने का प्रयास लगातार कर रही है। सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वे धैर्य रखें। हम लोगों ने एक जानकारी सभी जगहों से, सभी ब्लॉक ऑफिस से, अंचलों से ली है। कुल 6 लोगों के अभी तक सूचना हम लोगों को, उनकी सूचना भी हमारे पास प्राप्त है, वो राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है और वहाँ के माध्यम से फिर वो भारत सरकार को और जो संबंधित एजेंसी हैं विदेश मंत्रालय के, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको वापस लाने की या उनके सेफ पैसेज की व्यवस्था राज्य सरकार के स्तर से की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 6 ऐसे छात्रों की सूचना हमको प्राप्त हुई है। जी, 4 पहले सूचना प्राप्त थी, 2 की कल और सूचना प्राप्त हुई है। राज्य स्तर पर एक कंट्रोल रूम है, राज्य सरकार बहुत विजिलेंट, उसको दिन में 2 बार स्टेटस देखिए, अगर कहीं नई जानकारियाँ भी आती हैं तो किया जा रहा है। और जो संबंधित विभाग भारत सरकार के स्तर पर है उनसे कोऑर्डिनेट करके लगातार प्रसाद जिला प्रशासन भी, राज्य सरकार भी प्रयासरत है कि हम लोग उनको सुरक्षित वहाँ से उनके निकलने की व्यवस्था कर सकें। तो पेरेंट्स को यही है कि आप उनके संपर्क में रहें, कोई उस तरह की चीज़ आपके संज्ञान में आती है, आपको लगता है कि वो प्रशासन से या सरकार से साझा करना ज़रूरी है तो बताएँ ज़रूर। और होपफुल रहें आप, राज्य सरकार और प्रशासन प्लस जो भारत सरकार की एजेंसीज हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। इंस्पेक्शन आज ये बागमारा प्रखंड और अंचल कार्यालय का था। प्रखंड कार्यालय का भी इंस्पेक्शन उप विकास आयुक्त और ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं आप लोगों के साथ में किया गया है। विशेष रूप से 3-4 चीज़ें हैं जिन पर जिला प्रशासन का विशेष फोकस है। एक तो जो जन शिकायतें हैं या लोगों के आवेदन हैं वो जब भी ऑफिस में प्राप्त हों तो एक नियम यहाँ शुरू किया गया है कि लोगों को पावती उसकी ज़रूर मिले, डेट के साथ में, विषय के विवरण के साथ में, और समयबद्ध सीमा में उनको उस चीज़ की जानकारी भी मिले कि उनकी योजनाओं का निष्पादन हुआ या नहीं हुआ, तो उसकी समीक्षा की गई, जन शिकायतों के निष्पादन की। दूसरा, विभिन्न जो योजनाओं के विभाग के कार्य हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा से जो विकास की योजनाएँ चल रही हैं, 14वें और 15वें वित्त आयोग से, या अलग अलग विभागों की जो स्कीम्स हैं, बाल विकास परियोजना कार्यालय है, हॉस्पिटल है, पशुपालन विभाग है, कृषि है, उनकी समीक्षा की गई है। कुछ विषय जो लोग आए हैं, आप लोग आए हैं, उनके माध्यम से भी यहाँ की समस्याएं कुछ संज्ञान में लाई गई हैं, तो उन पर भी आवश्यक कार्यवाही का निर्देश यहाँ पदाधिकारियों को, और उसमें कुछ विषय जो जिला से संबंधित हैं वो जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो ये बेसिकली अभी तक के इंस्पेक्शन में संबंधित पदाधिकारियों को और जो लोग हैं उनको निर्देश दिए गए हैं।